दिल्ली दे नामी प्राइवेट हॉस्पिटल दे अंदर चल रहा यह हंगामा असल विच प्राइवेट हॉस्पिटल वालों मरीजां दी लुट दी कहानी बयान कर रहा है। इत्थे लाश दा सौदा हो रहा है अते हस्पताल एक सिख बजुर्ग औरत दी लाश देन तो इनकार कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज दी मौत हो चुकी है पर हस्पताल उसकी लाश देन नू तैयार नहीं। मंग है कि पहला बिल क्लीयर करो, लाश फिर मिलेगी। मंग भी मामूली नहीं, परिवार तो पूरे 14,27,000 रुपए का बिल मंगया जा रहा है। असल च दिल्ली के गगन विहार की सिख बजुर्ग गुरमीत कौर और उनके पति जगजीत सिंह नूं दिल्ली साकेत के मैक्स हॉस्पिटल विच कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद भर्ती करवाया गया सी। हस्पताल च दोहां दा इलाज चल रहा सी पर इस दरमियान गुरमीत कौर की मौत हो गई। गुरमीत कौर के परिवार के दसन मुताबक हस्पताल वालों साढ़े तो डबल बैड का चार्जस लिया गया। आप हद देखिए बेईमानी की, इनको ये कहा गया कि डबल बेडरूम देंगे और उसका चार्ज किया जाएगा। अब एक डबल बेडरूम लिया तो उसमें पापा जी भी थे, मम्मी जी भी थे। मम्मी को जब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है रूम में से, लेकिन वहां पे चार्ज फिर चालू है डबल बेड का। अदे शाम तक सानू दस्या गया कि माता जी दी सेहत च सुधार है पर 2 घंटे बाद ही फोन आ गया कि उनकी मौत हो चुकी है, आके लाश ले जावो। लाश लैन गए हरमीत सिंह दी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा जदों हस्पताल वालों उसनू 14,27,000 का बिल थमा दिता गया। हालांकि 7,27,000 की अदायगी वह पहला ही कर चुके सन जो एडवांस जमा करवाए गए सन। हॉस्पिटल वाले 6,93,000 होर मंग रहे सन। जदों इस सब का पता शहीद भगत सिंह सेवा दल के मुखी जतेंद्र सिंह शंटी होरां नू लगा तो हस्पताल भी जा डटे। हालांकि हस्पताल के स्टाफ वालों बाउंसर बुला लए गए, उन्होंने उतों कढ़न की कोशिश की गई। उन्होंने एक ना चली तो आखिर लंबी बहस तो बाद हॉस्पिटल लाश देने के लिए राजी होया। गगन विहार में रहने वाले गुरमीत कौर जी जो जिनकी डेथ साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में हुई है, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनके बेटा उनके पुत्र भी खड़े हैं। मैं हैरान रह गया देख के लोगों की, इन्होंने 14,50,000 रुपये इनसे बिल मांगा गया और उनकी लाश देने के लिए भी वो कहते हैं कि पहले पैसे लेके आए तब लाश देना। दिल्ली के अंदर जो लाशों का व्यापार हो रहा है कोरोना के अंदर, हम बात कर रहे हैं और उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया कि यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ बहन जी भी थे, पूरा परिवार था, दुखी परिवार था, जिनकी एक माँ की लाश वहाँ पड़ी थी, उन्होंने लाश देने से मना कर दिया। जबकि मेरे हाथ में रूलिंग है कि डेथ होने पर कोई भी बॉडी को नहीं रोक सकता है, हॉस्पिटल वाला उनको बॉडी देनी होगी। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि कल से डेड बॉडी पड़ी है और आज 24 घंटे होने के बाद भी उनका ये कहना है कि पहले पैसे जमा करेंगे तब बॉडी देंगे। आप पुलिस को भी बुलाएंगे, हमारे आसपास मार्शल खड़े कर दिए उन्होंने 15-20 लंबे लंबे चौड़े चौड़े, लेकिन आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के वारियर सोच के गए थे कि हम डेड बॉडी भी लेके आएंगे, उनको सबक भी सिखा के आएंगे। इस परिवार का कहना है कि असी निजी हस्पताल का रुख इसलिए किया सी कि बुजुर्ग हैं, चंगी तरह सेहत संभाल हो जाएगी, पर सानू की पता सी कि सानू इस तरह लुटिया जाएगा। मरीज आईसीयू च भेजन ते डबल बैड वाले कमरे समेत साढ़े तो दोहां का किराया वसूलिया गया। हाल ही इन्हां बुजुर्ग पिता हस्पताल विच जेरे इलाज है, जिसकी सेहत नूं लैके ओह फिक्रमंद हन कि हुण हस्पताल का रुख उन्हां बारे की रहेगा। घर से बिल्कुल ठीक गए, सुबह लगा था पॉजिटिव आए हैं तो हमने कहा कि डैडी मम्मी केयर अच्छी हो जाएगी तो आप हॉस्पिटल चलो, तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं। खाली बुखार था उनको और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले तो उन्होंने नॉर्मल वार्ड में ही रखा हुआ था रूम में, उसके बाद उन्होंने 2 दिन रखा मम्मी को, उसके बाद कहते हैं आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही आपकी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आईसीयू में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद भी बेड का जो कंबाइंड बेड था उसके बाद भी वो सेम चार्ज कर रहे थे, और जब आईसीयू में चले गए तो भी बेड का डबल चार्ज, और उसके बाद भी कह रहे कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते आपका कि क्या होगा, क्रिटिकल केस है। बार बार यही कह रहे थे क्रिटिकल है, कुछ नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि हाँ जी अब रिकवरी, जैसे हम लोगों का डिस्चार्ज हुआ उसके बाद कहते जी अब आपकी माता जी रिकवरी कर रही हैं, आज 50% ऑक्सीजन पे आ गए हैं, आज 60% पे आ गए, रिकवरी हो जाएगी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसके बाद जब हमने रोच लगवाई उसके 2 घंटे बाद ही फोन आ गया जी आपकी माता जी एक्सपायर।
असल च दिल्ली सरकार वालों इन हस्पतालों लिए रेट तय किए हुए हैं और यह भी नेम है कि बिल के नाम से कोई हस्पताल मरीज की लाश नहीं रोक सकता, पर यह शरेआम गुंडागर्दी है जो की गई। हालांकि लखां का बिल किवें बन गया उसकी कहानी भी हैरान करती है। बिल विच 6500 रुपए दियां पीपीई किट हैं और दस्तानिया समेत ग्लोवज हर समान का मोटा चार्ज लाया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक आदेश है मेरे पास जिसमें उन्होंने एक रूल रेट फिक्स किए हुए हैं कि इस रेट से ज्यादा नहीं ले सकते कमरे में। ये कमरे के पैसे लेने के बाद ग्लव्स के 100 रुपए लगाते हैं, मास्क का 4000 रुपए लगाते हैं। मैंने सब गिनवा दिया उन्होंने कि आपने जो गुंडागर्दी की और मैं हैरान हो गया। कोरोना लोगों लिए महामारी है तो इस तरह के प्राइवेट होस्पिटल लिए किसी त्यौहार तो घट नहीं, कमाई का चंगा जरिया है और मरीजों के दुखी परिवारों तो 5-star होटलों वांग हर सहूलत की मूँह मंगी कीमत वसूल रहे हैं और वसूली का तरीका भी वेखो लाशों जरिए सौदे कर रहे हैं कि बिल दे जावो तो लाश लै जावो। मैं डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता हूँ, मैं नर्स को भगवान के रूप में देखता हूँ। धन्य है वो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं इस कोरोना के अंदर, धन्य है वो सफाई कर्मचारी सिविल डिफेंस वाले, धन्य है हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर जो लाशों को उठाते हैं, और धन्य है वो शमशान घाट में मुर्दा जलाने वाले लोग। जरा सोचना चाहिए आपको कि ये लोग भी तो इंसान है और सच्ची सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वाले जो अरबों खरबों रुपए की जमीन भी लेके बैठे हैं और आज कोरोना काल में त्यौहार मना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और लोगों की जेबें काट रहे हैं, और मैं समझता हूँ आवाज कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ब्यूरो रिपोर्ट, सिख न्यूज एक्सप्रेस। जेकर तुहानू साडा यह उपराला चंगा लगा है तो इसनू लाइक करो, शेयर करो और साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।